नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पर स्वागत करता हूं। आज 26 जुलाई 2021 है। 26 जुलाई के दिन ही आज से 21 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के साथ जो है कारगिल में युद्ध लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की, जिसे अपने विजय दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि कारगिल युद्ध के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह भारत को पता चला कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो भारत में घुसपैठ कर चुकी है, किसने भारतीय सैनिकों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी और कैसे कैसे करके भारत ने इस ऑपरेशन विजय को जो है पूरा किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पाकिस्तानी सेना जो थी, उन्होंने क्या है कि जो द्रास, बटाली, कारगिल जैसी जो भारतीय 25 पोस्टें थी जो सर्दियों में बर्फ़ से ढकी रहती थी, उन पे क्या है चोरी छुपे जो आकर उन पे जो चोटियों पे भी कब्जा कर दिया, 25 चोटियां जो अपनी थी, पोस्ट थी जो सॉरी, और वहाँ पे जो बंकर बनाए हुए थे इंडियन आर्मी के, उन पे भी अपना कब्जा कर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो है लड़ाई 50 दिन चली, लेकिन इस लड़ाई की खास बात यह थी कि भारत और जो ने जो है LOC को क्रॉस नहीं किया। उसके बाद जो भारत ने क्या करा, सबसे पहले टोलोलिंग की जो पहाड़ी थी वहाँ पे कब्ज़ा जमाया और 26 जुलाई 1999 को, मतलब आज से लगभग 21 साल पहले जो है, बटालिक सेक्टर की जो खालूबार रेंज थी उसके अंदर 0.5239 चोटी थी, उस पर कब्ज़ा करके और ऑपरेशन विजय को 26 जुलाई 1999 को कंप्लीट कर लिया। तो आज 21 साल बाद अपने विजय दिवस बना रहे हैं, और वो ये सारा जो अपन विजय दिवस आज बना पा रहे हैं वो सारा किसके लिए, किसके कारण है, जो हमारे भारतीय सेना का जो अदम्य साहस है उनके, उसी के कारण जो है अपने आज विजय दिवस मना पा रहे हैं, और इसके लिए हम भारतीय सेना को जो है वो सल्यूट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो ऑपरेशन विजय जो है वो कैसे कंप्लीट किया गया भारत के द्वारा। ये पहला युद्ध था कारगिल का जो TV पर भी लोगों द्वारा देखा गया। तो आइए इस घटनाक्रम को देखते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि इन पहाड़ियों की जो चोटियां हैं ये लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, तो इन पे क्या है कि जो बर्फ़ जम जाती है। तो भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत क्या करा कि इस जगह को जो है वो सर्दियों में जब बर्फ़ जमती है तो खाली कर देते हैं, और दोनों जो है सेना वो अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर और पीछे चली जाती है, और गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो वो वापस अपनी पोस्ट को संभाल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने क्या करा, भारत के साथ जो है छल कपट किया, और उन्होंने गर्मी आने से पहले ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना में छुपे हुए घुसपैठियों आतंकवादियों ने क्या करा, LOC पर जो भारत की चोटियां थी, क्योंकि भारत तो उस टाइम नीचे था चोटियों से, क्योंकि सर्दियों के टाइम चल रहा था और गर्मियों में उनको वापस अपनी पोस्ट संभालनी थी, तो पाकिस्तानी वर्दी में जो घुसपैठिए थे उन्होंने क्या करा, भारत की चोटियों पर और बंकरों में आके वो चुपके से बैठ गए, और उनको ये जो था उनकी ये प्लानिंग थी कि अपने भारत से ऊपर हैं, यहाँ से अपने एक भारत के बड़े भूभाग पे जो है कब्जा कर सकते हैं, और इसकी जो है सारी प्लानिंग पाकिस्तान ने 1998 में ही स्टार्ट कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान सेना ये भूल गई थी कि भारतीय सेना ने 1947 में, 65 में और 1971 में क्या हालत करी थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को जो है 1971 में तो दो टुकड़ों में ही बांट दिया था। और अब भारतीय सेना ने को क्या हुआ कि 2 मई 1999 को एक गारकोन गांव है बटालिक सेक्टर में, सिंधु नदी के पास ये गारकोन गांव बसा हुआ है, वहाँ क्या है, ये 600 की आबादी है लगभग इस गांव की, वहाँ पे एक जो है चरवाहा था ताशिम नामदयाल नाम से, वो चरवाहा क्या है क्या उसके पास कुछ भेड़ बकरियाँ थी और याक थे, वो क्या उनको डेली जो है चराने के लिए इन पहाड़ियों पर लेके जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, 2 मई 1999 को इसने इसके जो है भेड़ बकरियां और इसने याक चराने के लिए लेके गया ये, लेकिन क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियों में से और याक में एक याक इसकी जो है वो इसकी जो है खो गई, जो एक याक इसकी उस दिन खो गई। ये ढूंढता ढूंढता एक पहाड़ की चोटियों पे जाने लगा, और इसने दूरबीन से देखा कि वहाँ पहाड़ी पर कुछ हलचल हो रही है, और ये हलचल उसको सामान्य नहीं लगी, और जब उसने अपनी दूरबीन से देखा तो उन लोगों के पास जो है हथियार, गोला बारूद भी उसने देखे, तो उसने फटाफट
जो इंडियन आर्मी को इसके बारे में सूचना दी। तो मेन हीरो जो सबसे पहले सूचना देने वाला था वो यही ताशिम नामदयाल था, जो एक चरवाहा था। तो इसी जो उन जो अपना विजय, ये जो ऑपरेशन विजय था या कारगिल की लड़ाई थी, ये टाइगर हिल और टोनोलिंग की पहाड़ियों के बीच में ही सारी ये फाइट जो है अपनी हुई है। पाकिस्तान की मंशा ये थी कि युद्ध अगर वो जीत गए तो कारगिल से जो है अपना जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं कारगिल की उसको कब्जा करेंगे और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपने जो है अपनी नज़र भी रख पाएंगे और कब्जा भी कर पाएंगे। और अगर उन्होंने एक और प्लान बना रखा था कि अगर वो हार भी जाते हैं तो उस स्थिति में जो है जब युद्ध संघर्ष विराम होगा तो ये जहाँ ये स्थित है वो चोटियाँ वापस इनके कब्जे में आ जाएगी, जिससे ये भारत के कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है सामरिक तौर पे उन पे ये नज़र रख पाएंगे और सियाचिन को भी भारत से अलग कर पाएंगे। तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर से लेह का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक नंबर राजमार्ग है, उस पर क्या है कुछ घाटियाँ पड़ती है, जैसे मुस्को घाटी, द्रास, टोलोलिंग, कारगिल, बटालिक सेक्टर से होते हुए ये लेह पहुँचता है। जो राजमार्ग वन है वो श्रीनगर से लेह का, वो इन पहाड़ियों से होता हुआ लेह पहुँचता है। और यही जो सड़क है श्रीनगर से लेह की, ये सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में जो सैनिकों को जो रसद की है या चिकित्सा की है जो सप्लाई चेन है वो इसी सड़क के थ्रू पहुँचते हैं। तो पाकिस्तान का यही जो प्रोग्राम था, यही मंशा थी कि इस कनेक्टिविटी को तोड़ दिया जाए ताकि सियाचिन भी भारत से अलग हो जाए और भारत के मोटे भूभाग पर वो कब्जा कर लें। पाक सेना ने जो LOC पार करी और राजमार्ग एक से लगती टाइगर हिल, टोलोलिंग पॉइंट और पॉइंट 5144 और बटालिक पहाड़ियों पर उन्होंने जो है जाके उन बंकरों में छुप के बैठ गई जो भारतीय सेना के थे। इसके बाद भारत ने क्या करा कि ऑपरेशन विजय लॉन्च कर पाकिस्तानी सेना पर भीषण वार किया। जब भारत को पता चला, चरवाहा ने बताया कि यहाँ ऐसी हरकत हो रही है, तो भारत को जब पता चला तो भारत ने जो है ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और पाकिस्तानी सेना पर भीषण पलटवार किया। और भारतीय सेना को सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने भी, भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन जो है सफ़ेद सागर को लॉन्च किया, और उधर इंडियन नेवी ने भी अरब सागर में अपना युद्धपोत उतार दिया, जिससे इन सैनिकों को पहुंचने वाली सप्लाई चेन कराची तक रोकी जा सके, कराची से आगे उसको बढ़ने ही ना दिया जा सके। उसके बाद क्या हुआ कि 26 मई 1999 को एयरफोर्स ने सफ़ेद सागर जो है अभियान शुरू किया। और इस जो अभियान में इन्होंने क्या करा, 18,000 फीट की स्थित जो थी पाकिस्तानी सेना थे उनके ठिकानों पे बम्बार्डमेंट करनी स्टार्ट करी, बम गिराने चालू करे। लेकिन शुरुआत में क्या है, वायुसेना ने MiG-21, MiG-23, MiG-27 ही जो है वो मैदान में उतारे थे। लेकिन जो दुश्मन सेना थी, पाकिस्तान की सेना ने क्या है उस टाइम चालाकी बरती, और वो क्या है दिन में जो है अपने ठिकानों पे छुप के बैठ जाते थे और रात के टाइम जो है वो अटैक करते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है भारतीय वायुसेना ने एक और तरीका निकाला कि उन्होंने मिराज 2000 जो उनका विमान था, जो क्या है डे नाइट काम कर सकता है और लेज़र गाइडेड बम भी वो फेंक सकता है, उससे जो है बम बरसाने जो है पाकिस्तानी सेना पे, पाकिस्तानी जो पोस्टें हैं वहाँ पर जहाँ भारतीय पोस्टों पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वहाँ बम्बार्डमेंट करनी चालू करी। और उनकी पाकिस्तान से आने वाली जो है सप्लाई चेन है, चाहे वो खाने पीने का सामान है, चिकित्सा सप्लाई, सब नष्ट कर दी। अब पाकिस्तान को लगने लगा कि अब भारत से युद्ध बंद न हुआ तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसको देखते हुए जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था सरताज अजीज, वो क्या वो भारत पहुंच गया और वो भारतीय रक्षा मंत्री जी से मिला और उन्होंने कहा कि आप ये वायु जो सेना जो हमले करी है उसको रोको, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। तो भारत ने कहा कि आप पहले अपने जो पाकिस्तानी सेना है उसको पीछे अपने जो है LOC से पीछे धकेलो। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी सेना ही नहीं है, तो घुसपैठिए हैं। तो भारत ने जब उसके सबूत दिए कि ये पाकिस्तानी आर्मी है या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको जो है गाइड कर रही है, फंड कर रही है, तो वहाँ से जो है अब इनके विदेश मंत्री है जो सरताज अजीज, वो वापस से पाकिस्तान लौट गए। युद्ध के दौरान भी जो भारतीय राजनीति का टफ कॉल ये था, भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे वो भी युद्ध के दौरान उन्होंने एक साहसी कदम उठाया और वो खुद भी जो है सैनिकों के बीच में जो है जाके और उनका हौसला बढ़ाने लगे और उनको बताया कि आप जो हैं वो रियल हीरो हैं भारत के और पूरा देश आप पे जो गर्व कर रहा है, ऐसे करके उनकी जो है मोटिवेशन करा उन भारतीय सैनिकों को। और भारतीय सैनिक तो वैसे भी मोटिवेशन से भरे हुए हैं, देश प्रेम उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और भी कई चेहरे थे जो उस टाइम जो है भारतीय राजनीति के जो वहाँ जो
उन सैनिकों के बीच में कारगिल में रह के उनके बीच काम कर रहे थे, जिनमें से एक आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। आप इस जो है तस्वीर में देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी उस टाइम जो है वो भाजपा कार्यकर्ता हुआ करते थे, और वो भी खुद जाके वहाँ कारगिल में सैनिकों के बीच रहे और उनका जो है मनोबल वहाँ पे बढ़ाया। और आज भी जो है प्रधानमंत्री मोदी है वो अलग अलग टाइम पे जो वहाँ सैनिकों के बीच में अपने को देखने को मिल जाते हैं। अब जब पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सेना जो है वो बड़ा ऑपरेशन करने वाली, क्यों वो उन्होंने सप्लाई चेन रोक दी और धीरे धीरे अपनी चोटियों पर भारतीय सेना कब्जा कर रही थी, तो उनको लगा अब ये जो है भारतीय सेना है ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेगी पाकिस्तान के खिलाफ। तो वहाँ पाकिस्तान की सेना और जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, प्रधानमंत्री था वहाँ का, वो क्या है उनमें जो है बेचैनी होने लगी, और उन्होंने भारत को रोकने के लिए जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो जाके अमरीका पहुँच गए बिल क्लिंटन के पास में, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमरीका के। लेकिन भारत ने उस टाइम बहुत ही बढ़िया कूटनीतिक जो है कूटनीतिक समझदारी करी कि उन्होंने जो है जो लड़ाई थी वो जो कारगिल का पूरा युद्ध था उसमें उन्होंने LOC को पार नहीं किया था, अपने ही क्षेत्र में वो लड़ाई कर रहे थे। इस कारण क्या है, उन्होंने पाकिस्तान को जो है सैन्य मोर्चे पे तो उनकी हालत ख़राब कर ही रखी थी भारत ने, लेकिन कूटनीतिक तौर पे भी जो है पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई और वो अलग थलग पड़ गया। और भारत की लगातार अपनी चोटियों पे उस दौरान क्या था, वो अपना कब्ज़ा करे जा रहा था। इस बीच बड़े जो हमले से डरते हुए, कि उसको लगा पाकिस्तान को कि अब भारत जो है बड़ा हमला करेगा, उससे डरते हुए पाकिस्तान ने जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और भारत ने जो अपनी सभी चोटियां थी वहां से पाकिस्तानी सेना को मार भगाया और सभी जगह अपना जो कब्ज़ा वापस कर दिया, और इस प्रकार जो है अपना ये ऑपरेशन विजय था वो कंप्लीट हुआ। तो आज ही के दिन जो 26 जुलाई 1999 को, आज से 21 साल पहले अपन ने जो है कारगिल विजय दिवस जो है कंप्लीट किया। और यह पूरा जो ऑपरेशन था ये भारतीय सेना का अदम्य साहस का एक प्रतीक है, और इतनी ऊंचाई पे भारतीय सेना ने जो काम किया वो पूरे विश्व के लिए जो एक था प्रेरणा का स्रोत बना। इसमें कई सैनिक अपने शहीद हुए, जिनमें एक काफ़ी चर्चित सैनिक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। इन्होंने क्या 20 जून 1999 को 1.5144 चोटी पर अपना कब्जा किया, जो बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि वो जो अपने से काफ़ी ऊंची थी वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो पा रहा था। वहाँ के पत्थर भी जो है ऊपर से पत्थर फेंका वो भी गोली की तरह आ रहा था, इतनी ऊंचाई पे पाकिस्तानी सैनिक थे। उसको कब्जा करने के बाद जब ये वो 0.4875 जो है जो चोटी पर अपना कब्जा करने गए, जो भी इम्पॉसिबल लग रही थी लेकिन उन्होंने पॉसिबल किया। उसके बाद 0.4875 पे भी उन्होंने अपना कब्जा किया। उसके बाद जब टाइगर हिल के एक हिस्से पर कब्जा करने गए, तो वहाँ उनके एक सैनिक को गोली वो लगने वाली थी, और वो उस गोली के बीच में उस सैनिक को बचाते हुए उन्होंने गोली खुद खा ली, और जिसमें वो खुद शहीद हो गए। ऐसे ही कई सैनिकों के उदाहरण हैं जो कारगिल विजय दिवस में आपको देखने को मिलेंगे, सेना के अदम्य साहस अपने को देखना मिलेगा। तो इस प्रकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय जो था उसको 26 जुलाई 1999 को कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।